नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है बहावा क्रिएशन। आज का जो वीडियो है मैंने स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के लिए बनाया है। आज के वीडियो में मैंने यहाँ पे जो इयररिंग्स पहने हैं इसका ही ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये जो डिज़ाइन है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूँ। ये जो इयररिंग है इसमें हमने सीड बीड वीविंग और वायर रैप टेक्निक का फ्यूजन करके ये डिज़ाइन बनाई है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको कैसे बनाना है ये पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप ज़रूर ये वाला जो वीडियो है आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, जो भी लोग आज इस वीडियो के माध्यम से नए से हमसे जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोस लेके आए। तो चलिए आज का जो ट्यूटोरियल है हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो हम इंडिपेंडेंस डे स्पेशल इयररिंग्स बनाने वाले हैं इसके लिए हमको क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा ये पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 11x0 साइज़ के सीड बीड्स लगेंगे। यहाँ पे हमने जो हमारा फ्लैग का कलर है वो 4 कलर्स हमने लिए हुए हैं, ऑरेंज, ब्लू, वाइट एंड ग्रीन। यहाँ पे ऊपर वाला जो वायर का जो शेप है ये करने के लिए हमको 19 गेज ब्रास गोल्डन वायर लगेगा। ईयर हुक की एक पैर लगेगी। ज्वेलरी थ्रेड 11 नंबर की नीडल, टूल्स लगेंगे फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, कटर एंड मेजरमेंट के लिए हमें रूलर लगेगी। यहाँ पे हमने जो 19 गेज वायर है उसमें से कुछ वायर ऐसे साइड में कर ली है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हमको वायर छोड़नी है, और फिर यहाँ पे हमें फ्लैट नोज फ्लायर से एकदम 5 सेंटीमीटर पे ऐसे राइट एंगल में इसको फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर पे हमने राइट एंगल किया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने राइट एंगल का ये जो फोल्ड लिया वहाँ से हम 1 इंच पे फिर से एक राइट एंगल करेंगे। तो यहाँ से हमने मेजर करके लिया एग्जैक्टली ये 1 इंच पे हम इसको ऊपर की तरफ फिर से मोड़ेंगे। ये देखिए ये ऐसे पकड़ा, और ये जो वायर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का उसको हमने ऐसे राइट एंगल में मोड़ा। तो हमारा ये जो वायर का पीस है ऐसे तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर पे रख के जो एक्सिस वायर है वो हमें कट कर देना है। तो ये जो हमारा पीस है ऐसे तैयार हो जाएगा। अभी हमें फ्लैट नोज प्लायर से ये वाला जो फोल्ड है राइट एंगल का उसमें थोड़ा मोड़ के ऐसे उसको अंदर की तरफ ऐसे स्लांट करना है। वैसे ही इसको भी हम वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के थोड़ा ऐसे स्लांट करेंगे। तो ये हमारा वायर का जो है ऐसे ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसे ही आपको जो पैर का दूसरा हिस्सा है वायर का वो भी आपको ऐसे तैयार करना है। ये वाले पीस को हम हैमर के साथ हैमर करके लेंगे। यहाँ पे हमने जो ज्वेलरी का थ्रेड था उसमें से 1 मीटर करीब करीब निकाल के उसमें हमने ऐसे नीडल स्ट्रिंग करके लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो इयररिंग है यहाँ पे हमको जो है ये पहली लाइन जो है करते जानी है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला जो ग्रीन सीड बीड है ये पहले हमें लेना है, नीडल में एक ही सीड बीड लेके उसको एंड में ऐसे लेके जाएंगे, और फिर ये जो वायर है उसमें से निकाल के ऐसे फिर ये वाला जो सीड बीड है उसी में से हमको फिर से यही नीडल ऐसे वापस उल्टी निकालनी है। तो ये हमारा
कुछ ऐसे दिखेगा। ये जो सीड बीड है पहले हमने पिरोया, फिर ये वायर के इसमें हमने थ्रेड निकाला और वही थ्रेड हमने फिर से उल्टा ये सीड बीड से वापस निकाला। अभी ये हमारे हाथ में जो है दो एंड आ जाते हैं। अभी दोनों एंड का हमें एक सिंपल नॉट लगानी है, ये देखें। तो ये वायर के पीस को ये वाला सीड बीड जो है अटैच हुआ। अभी हमें यहाँ पे देखिए सीक्वेंस जो है, दो ग्रीन सीड बीड फिर दो वाइट ऐसे लेने हैं। तो हमने ये पहले वाला सीड बीड पैक किया, अभी हम और एक ग्रीन वाला सीड बीड लेंगे। तो मैं इसमें और एक जो है सीड बीड मैंने लिया और फिर उसको हमें ऐसे ही नज़दीक लेके आना है और फिर इसमें से होके फिर वही सीड बीड में से हमको उल्टा जो थ्रेड है वो वापस निकालना है। ये देखिए अभी हमको यही जो नीडल है वायर के इस वायर से इस साइड से हमने उसको अंदर की तरफ लिया और यही नीडल हमको इसी बीड से फिर से वापस निकालनी है। तो ये हमारा जो है सेकंड बीड जो है पैक हो जाता है। देखिए इस तरीके से हमने ये दो बीड पैक किए। अभी हम यहाँ पे दो वाइट बीड लेंगे। तो मैं और एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये जो है मैंने एक सीड बीड लिया, फिर इसको हम बिल्कुल यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे लेके आने के बाद इसको हम ऐसे वायर से नीडल को निकालेंगे और फिर इस साइड से हम इसको उल्टा ऐसे वापस निकालेंगे। तो ये जो हमारा लाइन है यहाँ पे हम ऐसा फर्स्ट वाला लाइन कंप्लीट करेंगे। दो ग्रीन लेने हमें, दो वाइट लेने हैं, दो ऑरेंज लेने हैं, दो ब्लू और फिर से दो 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 करके ये फर्स्ट वाला लाइन करना है। तो ये मैं पहले कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने इस तरीके से ये वाला जो पहला लाइन है हमने पूरा कंप्लीट किया। अभी हमें ये जो सेकंड लाइन है वो करनी है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है, ये जो ग्रीन बीड है वो अभी नीडल में दो लेने हैं हमें। ये देखिए दो ग्रीन बीड सीड बीड लिए हमने, यहाँ पे हमने दो सीड बीड लिए पहले, फिर ये जो दो सीड बीड के बीच में ये हमारा थ्रेड दिख रहा है, ये पहला वाला थ्रेड छोड़ के ये वाला जो थ्रेड है ये दो सीड बीड के बीच में हमें ये नीडल डालनी है। फिर ये जो हमने दो सीड बीड डाले थे ये पहला सीड बीड छोड़ के ये दूसरा वाला जो सीड बीड है वो सीड बीड में से हमें फिर से वापस ये नीडल उल्टी ऐसे वापस बाहर निकालनी है। और फिर हमें इसको खींचना है। तो ये दूसरा लाइन जो है हमारा स्टार्ट हो गया। अभी हमारे दो ग्रीन हुए, अभी हमें फिर से एक एक बीड करके ये दूसरा वाला जो लाइन है वैसे पहले वाले लाइन जैसे हमने किया वैसे ही हमें करना है। तो अभी देखिए मैंने एक वाइट सीड बीड लिया, फिर इसको यहाँ पे लेके आए हम और फिर ये जो गैप है ये बीच के गैप में से जो थ्रेड है वो थ्रेड से हमने ऐसे नीडल को बाहर निकाला और फिर इसी वाइट थ्रेड में से हमें ये जो नीडल है उल्टी बाहर निकालनी है। तो ये हमारा जो थर्ड वन सीड बीड है ये दूसरे लाइन का पैक हो जाएगा। वैसे ही हमें अभी ये सेकंड लाइन भी कंप्लीट करनी है। तो सेकंड लाइन में हमें दो ग्रीन, दो वाइट, दो ऑरेंज और यहाँ पे हमें एक ही ब्लू बीड लेना है।
फिर दो 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 करके ये सेकंड लाइन कंप्लीट करना है, तो वो मैं पहले कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई है और अभी हमें थर्ड लाइन स्टार्ट करनी है। तो थर्ड लाइन स्टार्ट करने के लिए हमको नीडल में दो सीड बीड पिरो के लेने हैं, ये देखें। और वैसे ही हमें करना है कि यहाँ पे ये दो सीड बीड के बीच में जो थ्रेड है, ये थ्रेड छोड़ के ये वाला थ्रेड में से हमें ऐसे नीडल नीचे से ऊपर लेके आना है और फिर पहला सीड बीड छोड़ के दो नंबर पे सीड बीड जो है उसमें से उल्टा ऐसे नीडल वापस निकालना है। ये देखिए, तो ये हमारा जो है थर्ड लाइन स्टार्ट होगा। अभी थर्ड लाइन के लिए हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पे अभी हमें ब्लू नहीं लेने हैं, दो दो और फिर सीधे सीधे चार ऑरेंज लेने हैं और फिर दो दो, ऐसे करके हमें बाद में ये जो है ग्रीन जो है दो 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 रखने हैं और चार होने के बाद फिर ऑरेंज सेंटर का जो है वो तीन दो एक, ऐसे करके कम करते करते ये वाला जो ट्रायंगल है हमें कंप्लीट कर लेना है। तो वो मैं पहले कर लेती हूँ। अभी देखिए, यहाँ तक हमने ये कंप्लीट किया। अभी हम क्या करेंगे, ये एंड करने के लिए हमको यहाँ पे दो बीट और एंडिंग के लिए एक बीट लगेगा, लास्ट के दो लाइन के लिए यहाँ पे दो और फिर एक। तो अभी हम क्या करेंगे, नीडल में है दो सीड बीड ग्रीन कलर के लेंगे और फिर हमें ये वाला जो थ्रेड है ये इसमें से नीडल निकालनी है और फिर ये दो नंबर का जो सीड बीड है उसमें से उल्टा वापस हमें निकालना है। तो ये सेकंड लास्ट जो लाइन है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमें लास्ट का सिंपल एक सीड बीड लेना है ग्रीन कलर का, ये देखिए यहाँ पे हमने ये एक सीड बीड लिया और ये जो नीडल है हमें ये सब सीड बीड में से पास करते करते इधर तक लेके आनी है। यहाँ पे हमने फर्स्ट नॉट लगाई थी वहां तक हमें ये लेके आनी। ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा ट्रायंगल सीड बीड का। और यहाँ पे हमें पहले वाला जो हमने नॉट किया था वो वाला थ्रेड और ये वाला थ्रेड, ऐसे करके हमें यहाँ पे दो नॉट लगानी है। थ्रेड कट करके हमें यहाँ पे ऐसे स्टिक फास्ट या फेवी बॉन्ड जो आता है वो यहाँ पे लगाना है ताकि ये जो हमारा एंड है ये अच्छी तरह से लॉक हो जाए। यहाँ पे हमने ये कट करके स्टिक फास्ट लगाया, ये देखिए ये इस तरीके से हम फ्लैग के जो शेड्स है उसका ये इयररिंग का जो पैच है वो तैयार हो गया। अभी हमें ये ऊपर वाले जो हमने वायर छोड़े हैं उसको हमें शेप देना है। तो हमें अंदर की तरफ ऐसे ऐसे पकड़ के अंदर की तरफ एक राउंड करना है। ऐसे, और ये जो है 5 सेंटीमीटर का उसको बाहर की तरफ राउंड करना है। ये कुछ ऐसे बना। अभी हमें ये वाला जो एंड है उसको और इसको पकड़ के इसको थोड़ा सा ऐसे बैकवर्ड मोड़ना है, तो ये कुछ ऐसा शेप हो जाएगा। अभी ये वाला जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम फ्लैट करने के लिए हैमर करके लेंगे। देखिए यहाँ
यहाँ पे ये अच्छे तरीके से बैठ गया। अभी सिर्फ हमें इस वाले लूप में हुक अटैच करना है। उसके लिए हम ये मैंने एक वायर का ईयर हुक बना के रखा है। अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो ऊपर मैं आई बटन में आपको एक लिंक दूंगी, वो लिंक देख के आप इसको बना सकते हो। तो इसको जो है हमने अपवर्ड ओपन किया, इसमें डाल के ये हमने क्लोज कर दिया। देखिए कितने अच्छे से ये हमारा ईयरिंग बन गया। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ईयरिंग्स जो आज हमने बनाया, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम आसान तरीके से आप इसको बना सकते हो। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। ये अगर आपको बनाना है और रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखे लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज़ नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट करके इसको मंगवा सकते हो। आपने मेरा वीडियो देखा, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।